परिसर में पढ़ने वाले छात्र, कर्मचारी और अध्यापकों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके इस अभियान का तरीका भी बड़ा अनोखा है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का ट्वीट, PHU में बवाल, शिक्षकों छात्रों ने खोला मोर्चा, माफी नहीं तो बंद करेंगे विश्वविद्यालय। तस्वीरों में दिख रहे शख्स और बेंच पर बैठे ये छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और ये कमरा है विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग का क्लासरूम। आज ये क्लास लगी है एक अलग ही चर्चा के लिए, और चर्चा का विषय है कांग्रेस का वो ट्वीट जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है अब विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापना के मूल भावना विभिन्नता को ताक पर रखकर हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस की इस लाइन ने विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया है। ये सिर्फ राजनीति है, राजनीतिकरण का प्रयास है। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 2019 में राजनीतिक मुद्दा बनाने का यह प्रयास है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजनीतिक मुद्दा नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश की राजनीति तय करता है, मुद्दा नहीं बनता, वो तय कर देता है। BHU के छात्र कहते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, यही वजह है कि वो राजनीति छोड़ विश्वविद्यालयों को टारगेट कर रही है। छात्रों ने कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय से माफी मांगने की हिदायत दी है। कांग्रेस अपने पराभव के दौर एकदम पतन की तरफ अग्रसर हो गई है, क्योंकि अब उसका जो अटैक है वह राजनेताओं से हटके, राजनीतिक पार्टियों से हटके शिक्षा संस्थानों पे हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार से तत्काल कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा अगर वह माफी नहीं मांगती है तो मैं 24 घंटे के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बंद का ऐलान करता हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ तमाम विश्वविद्यालय लोकतंत्र की नर्सरी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पाठशाला है, और हम किसी जाति या धर्म की वकालत नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी धर्म, किसी जाति, किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता है। प्रोफेसर कहते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं कि विश्वविद्यालय करीब 100 वर्ष से ऊपर का है, वो अपनी विश्वसनीयता को कैसे खो सकता है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर माफी मांगने के बजाय विश्वविद्यालय में भगवाकरण का आरोप लगा रही है। जो 100 साल का विश्वविद्यालय है वो अपनी पहचान कैसे खो देगा, वो अपनी आइडेंटिटी कैसे खो देगा? अच्छा, ये मधुर मनोहर अति सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी है। जहाँ सर्व विद्या की राजधानी है, जहाँ सभी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, उसमें प्लूरलिटी, बहुलवाद का सवाल उठाने का क्या मतलब है? भगवाकरण बंद नहीं किया जाएगा शिक्षण संस्था का। विश्वविद्यालय में जिस तरह से शाखाएं लगाई जा रही हैं, अगर ये नहीं रोकी जाएंगी तो हम लोग आगे आकर इसको आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के ऐसे रुख से हमेशा विश्वविद्यालय परिसरों में राष्ट्रवाद की बहस तेज हुई है, लेकिन ताजा ट्वीट से BHU के छात्रों में उबाल है, सियासत भी अपने मौके देख रही है। रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।